नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मॉनसून की सक्रियता की वजह से बिहार की प्रमुख नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद राज्य के 16 जिले बाढ़ग्रस्त हैं। बाढ़ के कारण जहां निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य सुरक्षित स्थानों पर रहने को मजबूर हैं, वहीं भागलपुर और मुंगेर में गंगा अब लोगों को फिर से डराने लगी है। पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। आज अधिकतर जिलों के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है, जहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग पटना के अनुसार समुद्र के स्तर पर मॉनसून ट्रफ बीकानेर, शिवपुरी, गया, मालदा से होते हुए पूर्व में मणिपुर की ओर बढ़ रही है। सितंबर के आसपास उत्तर और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसकी वजह से बिहार के अधिकतर जिले में बारिश होने की संभावना है। उत्तर बिहार के कई जिलों में रविवार को रुक रुक कर बारिश होगी, जहाँ हवाओं की चाल 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। बिहार के अन्य जिलों में आमतौर पर मौसम के शुष्क रहने की संभावना, इस दौरान कुछ जगहों पर हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। चलिए अब जिलेवार ढंग से देखते हैं आज यानी 5 सितंबर के मौसम का हाल। IMD पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण और गोपालगंज जिले में आज कुछ ही जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी आज कुछ ही जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। अन्य जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में कुछ ही स्थानों पर आज बारिश होने का अनुमान है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय जिले में भी आज कुछ ही जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं अन्य जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले में आज कुछ स्थानों पर बारिश होगी और अन्य जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। विशेष रूप से राजधानी पटना और आसपास के इलाके की बात करें तो आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जहां अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के मौसम के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।